आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। खबर आप। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में नक्सलियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सर्चिंग तेज कर दी गई। सर्चिंग के दौरान पुलिस जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। मुखबिर की सूचना पर तरेगांव थाना अंतर्गत छुमर छापर के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सली जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, इसलिए भारी मात्रा में जमीन के अंदर बारूद को छुपा कर रखा गया था। पुलिस जानकारी मिलने के बाद नक्सली ऑपरेशन में ड्यूटी पर तैनात जवानों में 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद जमीन के अंदर रखे विस्फोटक सामान को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें 2 कार्टून टाइगर बम, 13 नग प्रेशर कुकर, 5 बंडल जिला वायर, 1 नग कलर प्रिंटर, 1 नग टीवी डीवीसी कन्वर्टर और छड़ के टुकड़े बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RNN News। आपको हम ले चलते हैं सवालों की दुनिया में और जानते हैं क्या है आज की सवाल और कौन है सवालों की दुनिया की विजेता। सवालों की दुनिया के प्रायोजक हैं श्री राम ज्वेलर्स, सोने एवं चांदी के आभूषणों की विक्रेता एवं श्याम बर्तन एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान, गायत्री मंदिर के सामने रजगा मार्ग, जिला कोरबा छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम नगारची और हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए आपका अपना खास कार्यक्रम सवालों की दुनिया। आज का हमारा सवाल है, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, और इस सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा रजगा मार्ग के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। तो चलते हैं लोगों के बीच में और देखते हैं कौन है हमारे सवालों की दुनिया के विजेता। जी भैया, बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? जानकारी 2011। कब हुआ था? सन 2011। श्योर है? हाँ, श्योर। जी सर, बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? 2008। श्योर है? श्योर। तारीख क्या है? तारीख 29 सितंबर ऐसे कुछ है। सर बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा, इतनी बड़ी जो हादसा हुआ था, कब हुआ था? 2007 में हुआ था शायद। जी सर, बताएंगे कोरबा जिले में जो चिमनी हादसा हुआ था बालको में, हाँ, कब हुआ था? दशहरे के दिन हुआ था, वो दशहरे षष्ठी के दिन। सर आपको डेट बताना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये 2011 की बात है। गलत है। मैं अभी कुछ समय पहले जो चिमनी हादसा हुआ था बालको में, कब हुआ था? वो भी 2009-10 का है भैया। कंफर्म डेट और सन बताना है। अब कंफर्म डेट नहीं बता सकता भैया, सन बता सकता हूँ आपको। नहीं, डेट भी बताना है। अरे भैया, डेट नहीं बता सकता आपको। आप हमारा RNN News चैनल देखते हैं? देखता हूँ भैया, सब्सक्राइबर हूँ भैया मैं। चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगता है भैया। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से रजगा मार्ग वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अरे नहीं भैया, ये बहुत अच्छा चैनल है, इससे मेरे को ना, मैं बाहर में भी रहता हूँ, जुड़े खबर मेरे को पहुँच जाता है भैया मेरे तक। हाँ जी सर, बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था? तारीख सहित बताना है। तारीख ऑप्शन सन तो 2009 में हुआ होगा। तारीख बताना है सर? तारीख तो नहीं है, पर नहीं पता। आप हमारा चैनल देखते हैं RNN News? देखता हूँ। कैसा लगता है? ठीक लगता है सर। बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था, उसका डेट और सन? अरे यार, उसका डेट और सन तो अपन को फिलहाल मालूम नहीं है भाई। नहीं नहीं, नहीं। कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था? 9 सितंबर को। कंफर्म है? कंफर्म 7 या 9 को। जी सर, बताएंगे कोरबा जिले में अभी जो बालको चिमनी हादसा हुआ था कुछ समय पहले, कब हुआ था? 2009 में हुआ था। डेट भी बताइए। डेट याद नहीं। जी सर, बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था, उसका डेट और समय बताना है। ये याद तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है सर अभी अभी हादसा हुआ था? हाँ हाँ, चिमनी हादसा। उसी दिन मैं वहाँ से छुरी में मेरी लड़की पढ़ती थी, मैं उसको लेने गया था, उधर से आया हूँ, उसके बाद यहाँ हल्ला हुआ, चिमनी गिर गया, तो देखता हूँ तो एक चिमनी दिख रहा है। अब डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है। सर आप हमारा RNN News चैनल देखते हैं? हाँ, चैनल देखते हैं। कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया है, मतलब आप सबको यही है, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें।
बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, डेट भी बताना। सन नहीं पता यार उसकी मौत। जी सर बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, 2009 में। डेट भी बताना। डेट शायद तक 21 सितंबर या ऐसी कुछ। ये 7 अगस्त नहीं तो सितंबर के बीच हुआ था। ये बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, 2009 में हुआ था। डेट भी बताना सर आपको। ये 23 सितंबर 2009 है क्या? 23 को नहीं पता सर, आपको बताना है डेट। 23 सितंबर 2009 को हुआ था। कंफर्म है सर? कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? एकदम लॉक कर दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा है। प्रभात कुमार मिश्रा, कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रजगामा रहता हूँ। आप हमारा आरएनई न्यूज़ चैनल देखते हैं? हाँ दिखता हूँ मैं। कैसा लगता है? अच्छा, बढ़िया है। लोगों को कोई संदेश? संदेश ये है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री जी हमारे पॉलीथीन के बारे में सक्रिय कर रहे हैं सबको, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पन्नी का उपयोग ना करें, अपने घर से थैला लें, सामान खरीदें और फिर जो है अपना काम करें। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, प्रभात कुमार मिश्रा जी ने हमारे चैनल में सही जवाब दिया है, उन्हें दिया जाता है रजगा मार्ग से मेन रोड के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आज का हमारा सवाल था कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, और इस सवाल का सही जवाब है 23 सितंबर 2009। और इस सवाल का सही जवाब दिया है मिश्रा जी ने, जो कि रजगा मार्ग से हैं, जिन्हें दिया जाता है रजगा मार्ग के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। आरएनएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, जिले की तमाम जानकारियों के लिए आप अब देखते रहिए आपका अपना खास चैनल आरएनएन न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।